हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और नई वीडियो में परमेश्वर आशीष दे आपके घर परिवार को, आशीष दे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने सभी को एक बार फिर से मिलाया है, सुरक्षित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में हैं, ग्रस्त हैं, बीमारियों में जूझ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह हमारा रोना बिलखना चिल्लाना बंद करेगा। वो परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। ठीक है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप बीमार हैं, यदि बीमारी में ग्रस्त हैं, ठीक है, तो यीशु मसीह से बताएंगे। हमें किसी मनुष्य से नहीं बताना है, ठीक है, हमें जिंदा यहोवा परमेश्वर से बताना है। ठीक है, ये यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणानिधि परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हारे क्या हो सकता है, तुमको क्या चाहिए। मेरे प्रियजनों, हमारा प्रभु, हमारा यीशु पिता जानता है हम सभी को क्या चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी मुफ्त में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, यीशु मसीह महान है, दयालु है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आइए इसी वक्त इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। इसलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने पिता हम सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोगों के पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने घर परिवार वालों से, गांव मोहल्लों से, भाई बहनों से, माता पिता से बिछड़ गए होंगे पिता, और वो कैसे धन पर चले गएंगे प्रभु, जहाँ का धुआं युगानुग उड़ता रहता प्रभु, जहाँ के कीड़े नहीं मरते, जहाँ की आग नहीं बुझती। मेरे पिता, आपने जो हम सभी को जीवित रखा है पिता, सुरक्षित रखा है पिता, संभाल के रखा है पिता, नया दिन दिखाया है, शाम दिखाई, रात दिखाई प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो आपने हम सभी को इस संसार से चुना है यीशु पिता, इस संसार से चुन के अलग किया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, प्रार्थना करते पिता, जो बीमार हैं पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जिन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, बुखार है, जुखाम है, हर प्रकार की बीमारियां पिता हैं इनके शरीर में पिता, नाना प्रकार की जानलेवा खतरनाक बीमारी क्यों ना हो पिता, कोई आपसे बड़ी कुछ नहीं यीशु राजा पिता, इन्हें हीलिंग दीजिए पिता, ये मसीह बाबा चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपके नाम से पिता, आपने कहा है प्रभु, जो कुछ तुम्हारे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रभु, आपके नाम से मांगते यीशु पिता, आपके नाम से पुकारते मेरे पिता, इन मसीह भाइयों की पिता बीमारियों को दूर करे पिता, चंगाई उंडेल दीजिए, चंगाई उंडेल दीजिए पिता। अपना स्वर्ग से छिदौला हाथ पिता, हर एक जनों को मेरे स्वामी आप छुए मेरे पिता, हर एक जनों को छूकर पिता चंगाई दीजिए पिता। मेरे प्रभु, प्रार्थना करते पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो गरीबी में जूझ रहे पिता, जो पिता कमाने नहीं है मेरे पिता, उनके हाथ कमाने नहीं बनाइए मेरे स्वामी मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोल दीजिएगा, शीश के दर्जे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मेरे पिता, इन मसीह भाइयों के लिए पिता, घरों के बरसे से उंडेल लिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर होने पाए पिता, गरीबी दूर होने पाए पिता, उनके हाथ देने लिए होने पाए पिता, उनके हाथ मांगने नहीं मेरे शमी पिता, बहुत ही जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे पिता, आप हम सभी के मांगने से पहले जानते प्रभु कि हम सभी को क्या चाहिए पिता, हम सभी के क्या हो सकता है मेरे प्रभु, आप जानते ही पिता। मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जो चल नहीं पाते, जो लंगड़े, जिनको पैरों में दिक्कतें, समस्या, परालाई से कुछ भी समस्या पिता, आपके नाम से पिता, लंगड़े चल नहीं पाए पिता,
मेरे प्रभु जिस प्रकार से पिता अपने लकवे रोगी से कहा था उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को जा, मेरे पिता वो लकवा रोगी उसी वक्त चंगा हो गया, अपने घर को चला गया। पिता आपके दास होने के नाते पिता के जीवन में आदेश देते यीशु मसीह के नाम से पिता ये भाई बहन चंगे हो जाए, पिता हील हो जाए। आप अपना स्वर्ग से पिता दयाला हाथ बढ़ा के पिता हर एक जन को छुए, मेरे पिता स्पर्श किए पिता, ताकि पिता हर एक मसीह भवन चंगे होने पाए। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु, मेरे पिता आप महान है, आप दयालु पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, दो को दृष्टि दिया, कुल ये पाए जो को सुध किया पिता, आपने महान आश्चर्य काम की पिता। पिता आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई पाएगा जगत में पिता। पिता जो भी हम मसीह भवन से पाप गलती बिना हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करिए, आप क्षमा करिए मेरे पिता। पिता आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता, गुनाहों को ढांप सकते हैं पिता। आप हमारे सभी पापों को क्षमा करें पिता, हर एक मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करें पिता। पिता अपने लहू से शुद्ध करें पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बाकी पिता हम सभी को मोल खरीद लिया पिता। पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ पिता आप अपने पर ले लिए, कलरी क्रूस में चढ़ गए, बलिदान हो गए पिता, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता। इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप जीवित परमेश्वर पिता, आप जलाली जिंदा परमेश्वर पिता, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वेदों के वेद हैं, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता। इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं, यश हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं उन पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, शैतान जो अंधकार के सत्य जो गंदी आत्माएं उनके जीवन में कार्य करते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से गंदी आत्माएं निकले, यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से पिता। पति पत्नियों के बीच का जो लड़ाई झगड़ा होता है बंद हो जाए यीशु के नाम में पिता। आपका वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे पिता। मेरे पिता आपने पति पत्नियों को एक तन बनाए पिता, वे एक तन है पिता, वे एक दूसरे से मिले हैं पिता, परमेश्वर आपने उन्हें जोड़ा है प्रभु। मेरे पिता को अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आप महान है, अब दयालु है मेरे पिता। मेरे प्रभु जब आप अपने दोस्तों के साथ आना मेरे पिता, तो आप हम सभी मसीह बहनों को लेकर जरूर जाना पिता। मेरे पिता यहाँ मत छोड़ना पिता, जो यहाँ पर रह जाएगा उसको खून के आंसू रोने पड़ेंगे पिता, उसको पानी की जगह खून पीना पड़ेगा पिता। ये सूर्य पिता आप एक दिन इसको पिता आग का गोला बना देंगे पिता। मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी पिता, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी पिता, जो यहाँ पे रह जाएंगे गलती से पिता। मेरे प्रभु आप आना पिता, हम सभी को लेकर जरूर जाना पिता। परमेश्वर पिता हर एक पाप गलती गुनाहों को क्षमा करना मेरे पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते पिता, जो भी मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता है, गंदे सपने ख्याल विचार आते प्रभु, जिन्हें नाइट फील होता है प्रभु आपके नाम से पिता, ये अंधकार की शक्तियाँ कोई गंदी आत्मा है दुष्ट आत्मा है के जीवन में यीशु मसीह हस्तक्षेप ना करने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु जब ये लेटे पिता तब इन सुख की नींद आने पाए पिता, कोई कोई गंदा कोई रवना सपना ना ले पाए पिता, इनके जीवन में अंधकार की शक्तियाँ कार्य न करने पाए मेरे प्रभु। जैसा कि अपने वचन में कहा है पिता, जब तू लेटेगा तब तू भय खाएगा, जब तू लेटेगा तब जैसे की नींद आ गई, अचानक आने भविष्य न डरना, और जब दुष्ट विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू ना घबराना मेरे पिता। अपने इस वचन के माध्यम से कहा पिता, मेरे पिता है इस वचन के द्वारा हर एक जन की सहायता करे पिता। मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना पिता, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करेगा, आमीन।